प्यार वाले रिश्ते में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सी वो पांच चीज़ें हैं जो होनी ही चाहिए ताकि रिश्ता अच्छा रहे। हेलो फ्रेंड्स, लव टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। नंबर पांच पे ऑनेस्टी। अब आप कहेंगे कि ऑनेस्टी सिर्फ हम रखते हैं, सामने वाला तो रखता नहीं है, तो हम करें क्या। एक चीज़ हमेशा याद रखिए दिमाग में, सामने वाला हो सकता है, जैसे कहते हैं खरबूजा खरबूजे को देख कर रंग बदलता है। आप अगर ऑनेस्ट हैं, आप उनके लिए सब कुछ ईमानदारी से करते हैं, सब कुछ ईमानदारी से कहते हैं, तो वो भी ईमानदार अगर ना हो या थोड़े बहुत हो तो पूरे हो जाएंगे। ऑनेस्टी रखने से फ़ायदा यह है, आपको कभी अपने आप पे अफसोस नहीं होगा, और रिश्ते में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर चार पे रिस्पेक्ट एक दूसरे की। जिस रिश्ते में एक दूसरे की रिस्पेक्ट ना हो वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है। अब रिस्पेक्ट का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता कि सबके सामने उनको कैसे है, नहीं नहीं आप ये कर लीजिए, आप ये कर लीजिए, और फिर अकेले हो तब कुछ भी बोलते रहते हैं, ये रिस्पेक्ट नहीं है। रिस्पेक्ट है औरों के सामने कुछ भी बोले, लेकिन अकेले में हो जब भी हो एक दूसरे को पहचानते हैं कि वो सामने वाला मेरे लिए कितना मायने रखता है, एक दूसरे की इस तरह से मन ही मन रिस्पेक्ट करते हैं और कहते भी हैं, ये इम्पोर्टेंट है। नंबर तीन पे ओपन कम्युनिकेशन, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। आजकल ऐसी लाइफ हो गई है, हर कोई पैसों के पीछे जा रहा है, हालांकि पैसों के सिवा कुछ है भी नहीं, तो लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि पूरा दिन पैसों के पीछे जा रहा है, और हम और रिश्ते हो गए, हेल्थ हो गई, हम इसमें टाइम नहीं दे पा रहे। इसीलिए आपको अपने पार्टनर से ओपन कम्युनिकेशन रखने के लिए हर दिन तय कर लेना चाहिए। अगर आपकी शादी हो गई है तो आप साथ में मिलकर एक दो घंटा बैठे, अगर आप फ़ोन पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या अभी एंगेजमेंट सिर्फ हुआ है तो एक आध बार मिल के हफ्ते में या फिर रोज़ फ़ोन पे वीडियो कॉल पे आपको बात करनी ही करनी, एक दूसरे की मनोदशा जाननी ही जाननी है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर दो पे आप कितने एफर्ट करते हैं रिश्ते को अच्छा बनाए रखने के लिए। हालांकि रिश्ते में अगर आप ये चार पाँच चीज़ें रखते हैं तो ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एफर्ट कितना करते हैं दिखता है कि उनकी बर्थडे आ गई, उन कोई ऐसी डेट आ गई आप दोनों की जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है रिश्ते में, तो उसमें आप किस तरह से कहते हैं, क्या करते हैं, किस तरह से एफर्ट डालते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये दिखता है। नंबर एक पे है कितना कॉम्प्रोमाइज़ उनके लिए आप करते हैं या रिश्ते के लिए। देखिए कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये नहीं कि आप उनके लिए सब कुछ छोड़ दें या कुछ भी ऐसा वैसा, हाँ ये किया है वो एक अलग केस हो जाता है, एक अलग चीज़ें हो जाती है, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज़ कहना चाहता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ है, कोई छोटा मोटा डिसीजन है, लेकिन आपको लग रहा है नहीं ये होना चाहिए, उनको लगता है ये होना चाहिए, आप कहते हैं ठीक है आपका देख लेते हैं, चलिए आप जैसा कहते हैं, ये जब आप कहते हैं तब ये कुछ अलग चीज़ें ही करता है, ये रिश्ते को खिलाता है, रिश्ते को बड़ा बनाता है, और ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है कभी कभी। तो ये पांच चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, ओपन कम्युनिकेशन, एफर्ट कितना डालते हैं, कॉम्प्रोमाइज़। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितनी चीज़ें आपके रिश्ते में इसमें से हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों फ्रेंड, वीडियो को देख रहे सारे GABF राजा मजमून लला, जो भी वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई भी सवाल या सुझाव हो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों, नो बेटर लिव बेटर।